जैसा कि आप सबको पता है, एक सफलता बैच जो आप स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसमें इंडिया के टॉप 5 एजुकेटर्स यहां पे पढ़ा रहे हैं। इन 5 एजुकेटर्स की क्लासेस आपको बिल्कुल बेसिक से आपको मिलेगी, जो कि बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक आपको लेके जाएगी। चाहे ये आपके लिए मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, या तो आपकी इंग्लिश की क्लास हो। कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पे, जो आपके 2021 में जो भी एग्जाम्स होने जा रहे हैं, 2020 में आपने जिनके फॉर्म फिल किए हैं या 2021 में फॉर्म फिल करेंगे, हर एक एग्जाम को क्रैक कराने वाला ये बैच होगा, सफलता बैच। तो इसका सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे और साथ में और कौन कौन से बैचेस हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। माय डियर एस्पायरेंट्स, एसएससी का एक बैच का सेट आपके सामने ये है। सेकेंड बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 11th of January 2021 को, जिसका कंप्लीट सेट आपके सामने यहां पर ये है। आप देख सकते हैं जो जो फैकल्टीज इसमें जिस सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं, उनका कंप्लीट यहां पर डिटेल है, उन कौन से सब्जेक्ट है और कौन सा नाम है। फुल सिलेबस यहां पर भी है, बायलिंगुअल ये बैच होगा और 400+ आवर्स की ये क्लास होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसा नहीं कि आप अगर पहला वाला सफलता बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बैच नहीं मिलेगा, या ये बैच ज्वाइन करेंगे तो वो बैच नहीं मिलेगा। आप इसको भी कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं। एक और बैच आपके लिए यहां पर है, सेम डेट पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टॉप 5-6 एजुकेटर्स जो भी इसमें पढ़ा रहे हैं उनकी पूरी डिटेल यहां पर लिखी हुई है। यहां पर भी एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2020 के जो एग्जाम्स है 21 में होने वाले, उसको पूरा कवर किया जाएगा। सशक्त बैच इस बैच का नाम है, 11th of January 2021 से स्टार्ट हो रहा है। 400+ आवर्स की क्लास यहां पर भी है। तो आप अपने से चाहे इन तीन में से जो भी बैच चूज करना, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला, तीनों बैच एसएससी के लिए है, या आप चाहें कि हमें पहले वाले बैच की ये फैकल्टी, दूसरे बैच की ये फैकल्टी और तीसरे बैच की ये फैकल्टी मिले, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं आप डिसाइड करके। कुल मिला के हमने पूरी फ्रीडम दे रखी है, आप जिस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं या कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं, हम ये तीनों बैच पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे एसएससी कैटेगरी के अंदर। जो भी आप चाहें, आप उस फैकल्टी से या उस बैच से आप पढ़ सकते हैं, पूरी फ्रीडम। ये तो बात हो गई एसएससी कैटेगरी में। बैंकिंग कैटेगरी में भी कुछ स्पेशल बैचेस स्टार्ट हुए हैं। बैंकिंग कैटेगरी में पहला यहां पर आपके सामने जो है, यहां पे बैच देख सकते हैं, रणविजय बैच सीईटी 2021 के लिए। कवर होगा फुल सिलेबस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, एंड यहां पे जो कोर्स होगा वो बायलिंगुअल होने जा रहा है। इसमें कौन कौन सी फैकल्टी कौन कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं, तो हमने यहां पर ये पूरा का पूरा सभी फैकल्टी उनके सब्जेक्ट के साथ ऐड कर रखा है। बैंकिंग गोल के अंदर, बैंकिंग कैटेगरी के अंदर 11th of January को ये बैच आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, बैंकिंग में एक दूसरा बैच आपके लिए गिफ्ट के रूप में है। कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फैकल्टी की डिटेल है, और ये भी आपके IBPS PO एग्जाम्स एंड SBI एग्जाम के लिए है। बायलिंगुअल बैच होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सिलेबस आपको आपके एग्जाम से पहले यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा बैच बैंकिंग एग्जाम के लिए, इसमें जो जो फैकल्टीज हैं उनकी डिटेल आपके सामने यहां पर भी है, और ये एग्जाम की भी यहां पर इस पर्टिकुलर बैच में आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है वो सारी डिटेल है। मास्टर बैच इस बैच का नाम है, जो LIC ADO के लिए यहां पर इसको बनाया जा रहा है, LIC ADO के लिए इसको कंडक्ट किया गया। ठीक है, चौथा बैच आपका बैंकिंग कैटेगरी में, जहां पर आपकी ये टॉप 3 एजुकेटर्स का नाम ये है, जो आपका दिख रहा है एक्सेलरेटर बैच का नाम है। 11th of January स्टार्ट इसकी डेट है। फुल सिलेबस यहां पर SBI क्लर्क 2021 एग्जाम के लिए है ये बैच, और ये बैच भी बायलिंगुअल होगा। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, आपको बैंकिंग कैटेगरी में ये 4 बैचेस मिलते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है। आप किसी एक बैच में पढ़ना चाहते हैं या एक से ज्यादा बैच में पढ़ना चाहते हैं, पूरी फ्रीडम है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही बैच पढ़े या दो ही बैच पढ़े या आप इसी फैकल्टी से पढ़े, कोई बाउंडेशन नहीं, आप अपने से अपनी फैकल्टी चूज कर सकते हैं। तीसरा आपके लिए है रेलवे एग्जाम में बैचेस, जिसमें आपका ये है राजधानी बैच आपके लिए, RRB NTPC CBT2 Wi-Fi स्टडी की तरफ से ये बैच है। 11th of January सेम चीज है यहाँ पे, ये भी आपका कवर करेगा प्रैक्टिस कोर्सेज फॉर RRB NTPC CBT2 एंड टॉप एजुकेटर्स है यहाँ पे जो आपको पढ़ाएंगे, कौन कौन से एजुकेटर है यहाँ पे, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट डील करेंगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है। सेकेंड आपके लिए अगला बैच है यहाँ पे रेलवे कैटेगरी में ही, यहाँ पे है दिस पर्टिकुलर बैच, ये भी आपके 11th of January से है, और इधर साइड भी इसमें ये है RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए, एंड टॉप एजुकेटर्स इसको भी कवर कर रहे हैं, कौन से एजुकेटर किस सब्जेक्ट के कौन सा सब्जेक्ट डील कर रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर ये है। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, आप एक चीज आपने नोटिस किया,
अनअकैडमी की प्राइस हाइक की जो डेट है वो है 11th of January, यानी 11 जनवरी से प्राइस हाइक अनअकैडमी का हो जाएगा। अनअकैडमी पे इन कैटेगरीज में फी बढ़ने वाली है। अब इन कैटेगरी में जब एडमिशन की फी बढ़ने वाली है तो मैक्सिमम डेट जो रखी गई है यहां पर वो 11th of January ही रखी गई है, ताकि किसी भी बच्चे को कहीं से भी सफर ना करना पड़े या प्रॉब्लम ना फेस हो कि फी बढ़ गई है तो उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उनको परेशान ना करे। माय डियर एस्पायरेंट, सब्सक्रिप्शन ले डालें, क्योंकि 11 जनवरी से जो प्राइस हाइक है वो प्रेजेंट प्राइस हाइक से 1.25 से 1.5 गुना तक हो जाएगा। आइए आपको हम बताते हैं कि आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेंगे। इनमें से कोई भी बैच आपको पसंद है या कोई एक से ज्यादा बैचेस भी आपको पसंद है, आपका जो भी गोल है, एसएससी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के हैं या रेलवे के हैं, इन तीन में से जो भी आपकी कैटेगरी है, तीनों का सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस ये रहा। फुल कोर्स हर एक एग्जाम में मिलेगा और सारे सिलेबस आपको बेसिक से पढ़ाए जाएंगे और ऑल सब्जेक्ट्स आपको उस गोल के अंदर कवर किए जाएंगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन से। इस सब्सक्रिप्शन पे एक रेफरल कोड यूज कीजिएगा, दैट रेफरल कोड विल बी संदीप12, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कंप्लीट सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स का। माय डियर एस्पायरेंट्स, रेफरल कोड संदीप12 से अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड सारे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। तो देरी मत कीजिएगा, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी पे, सो दैट आप प्राइस हाइक के पहले एक सॉलिड बैच आपके पास हो जो 2021 में आपको 100% सक्सेस की ओर लेके जाता है। इसको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड संदीप12 लगा के आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है, प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इस ऐप को इंस्टॉल करना है एंड देन मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉग इन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये पेज ओपन होता है जहां पे लिखा होता है मैनेज गोल्स। आपको इन 3 लाइंस पे क्लिक करके एसएससी एग्जाम्स, बैंक वाले बैंक एग्जाम्स, रेलवे वाले रेलवे एग्जाम्स, अपना अपना गोल सेलेक्ट करें। जो ही आप अपना गोल सेलेक्ट करते हैं आपका गोल सेलेक्ट हो जाता है और फिर गेट सब्सक्रिप्शन की बटन आती है, उसको प्रेस करें और फिर नेक्स्ट में वो पूछेगा कितने ड्यूरेशन क्या चाहिए आपको। मेरा पर्सनल सजेशन है कि इनमें से कोई सा भी आपका गोल है उसके लिए 1 month, 3 months, or 6 months का सब्सक्रिप्शन ना ले, कम से कम 12 मंथ्स चूज करें या तो 24 मंथ्स चूज करें। इसको चूज करने से बेटर ये होगा कि अगर किसी कारणवश कोविड की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से अगर एग्जाम की डेट एक्सटेंड होती है तो आपके पास एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा मॉक टेस्ट लगाने का, आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा अपने डाउट्स को क्लियर करने का, आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा अपने फेवरेट बैच एंड एजुकेटर से कनेक्ट रहने का। इसलिए कम से कम 12 महीने या तो 24 महीने ही चूज करें। उसी 24 के नीचे आप देखेंगे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड, वहां पे लिखे हैं संदीप12 एंड अप्लाई की बटन प्रेस करें। जो ही आप संदीप12 रेफरल कोड इस जगह पे डाल के अप्लाई करते हैं, बिना स्पेस लगाए, बिना स्पेस, कोई गैप ना देना बीच में अप्लाई करते हैं, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट होता है और आपकी जो फी है, जो भी होगी फी, आप देखेंगे बैंकिंग एंड एसएससी कैटेगरी में सेम फी है। आफ्टर डिस्काउंट 11 जनवरी तक 5400 एंड 24 महीने वाला आपका 6480 हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। और रेलवे कैटेगरी में ये फी थोड़ी सी कम है, आप जब वहां पर गोल रेलवे सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपका अमाउंट वहां पे दिख जाएगा, फाइनल अमाउंट क्या आया संदीप12 रेफरल कोड लगाने के बाद। जो ही डिस्काउंट हो जाए तो कंटिन्यू की बटन प्रेस करें और ये पेज जैसे ही आता है कंफर्म डिटेल्स, तो अपनी डिटेल्स जरूर कंफर्म करें कि आपने 12 मंथ्स का लिया है कि 24 मंथ्स का लिया है, एसएससी कैटेगरी का है, बैंक कैटेगरी का है कि रेलवे कैटेगरी का है, संदीप12 रेफरल कोड अप्लाइड लिख के आ गया है, कुछ क्वाइंस अगर शो करते हैं आपकी प्रोफाइल में उसको भी आप रिडीम कर लीजिए, अमाउंट और रिड्यूस हो जाएगा और कम हो जाएगा, फाइनल अमाउंट आपका यहां पे दिखेगा। जो फाइनल अमाउंट है उसको देखकर प्रोसीड टू पेमेंट की बटन दबाएं। आपके पास जिस भी बैंक में अकाउंट है, जो भी आपके पास एटीएम है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम ऑन कार्ड एंड CVV, जो कार्ड के पीछे 3 डिजिट लिखी होती है उसको डाल के बस पे कर दीजिए, OTP आएगा डाल के सबमिट कीजिए, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट, तुरंत आप क्लास करना शुरू कर सकते हैं। जो भी बैच चाहे उस बैच को सर्च करके इनरोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनसे भी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा पेमेंट का ऑप्शन है, आप मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आप चाहते हैं मंथली, तो क्रेडिट कार्ड से आप अपनी ईएमआई करा सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई की हो जाती, बट ओनली क्रेडिट कार्ड से होगा। आप जब
बैंकिंग एंड एसएससी कैटेगरी में लेंगे तो उसमें आपको 12 मंथ्स वाला पर मंथ 450 पड़ता है और 24 महीने वाला 270 रुपए पर मंथ पड़ता है, ठीक है ना। ये बैंकिंग एंड एसएससी। रेलवे कैटेगरी में आपका और कम फी है, तो ये अमाउंट जब आप रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे तो यहां पर आपको एग्जैक्टली अमाउंट पता चल जाएगा कि आखिर कितना रेलवे कैटेगरी में पर मंथ लगेगा क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कराने पे। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, ईएमआई का ऑप्शन भी है, आप मंथली पे कर सकते हैं, बट ओनली क्रेडिट कार्ड से ही ये पॉसिबल है। तो अगर है आपका अपना हो या किसी का भी हो, आप क्रेडिट कार्ड से ये बेनिफिट उठा सकते हैं जो पर मंथ वाला है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, ये रही पूरी इंफॉर्मेशन इन बैचेस को लेकर और साथ में अनअकैडमी की बढ़ रही फ्री की जो प्रायर इंफॉर्मेशन आपको मिली। तो डेफिनेटली आप सारे स्टूडेंट्स इन बैचेस में से अपने लिए अपने फेवरेट एजुकेटर चूज कीजिए, अपने लिए अपना फेवरेट बैच डिसाइड कीजिए और इस 2021 में इन बैचेस में अपने सिलेबस, अपने कंटेंट, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके अपना सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ मैं संदीप केशरवानी आपसे विदा लेता हूं। बैच का लिंक आपको आपकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और बैच को इनरोल कर सकते हैं आफ्टर सब्सक्रिप्शन। बहुत बहुत अच्छा, आप इन बैचेस में आइए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।